हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निम्रा संगम किचन। आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाले। जी हाँ, ये पंचमेवा पाक है जो कि बहुत ही टेस्टी बना है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे मैंने पीसेस में से कट भी किया है। तो फ्रेंड्स, आज ये रेसिपी बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी कैसे बनती है। कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है, अब इसमें हम ये देसी घी डालेंगे। घी को हम गर्म होने देंगे, बहुत तेज गर्म नहीं करना, नहीं तो मेवे डालते ही हमारे जल जाएंगे। घी हमारा गरम हो चुका है, अब हम लो मीडियम फ्लेम पर काजू फ्राई करेंगे। हमने 250 ग्राम काजू लिया है। बस हल्का सा फ्राई करेंगे टेस्ट आने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं। काजू क्या है ना, अगर थोड़ा सा आप ज्यादा फ्राई कर लेंगे ना मतलब ऑयल में, तो वो मूंगफली बन जाता है, मूंगफली जैसा टेस्ट आता है, काजू का नहीं, इसीलिए फिर हम हल्का फ्राई करेंगे। काजू का कलर हल्का सा ही चेंज हो रहा है, बस अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम 250 ग्राम बादाम डाल देंगे। भी फ्राई करेंगे थोड़ा सा बस। बादाम हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। 250 ग्राम हम अखरोट फ्राई करेंगे। अखरोट हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। फिर हमने थोड़ा सा देसी घी गरम किया है और अब हम ये लेंगे नारियल को, हमने ग्रेट कर लिया है। 250 ग्राम ये नारियल है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। फ्लेम को हमने लो मीडियम रखा है। करी हमारी हल्की सी भुन चुकी है, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में हम घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम मखाने फ्राई करेंगे। 250 ग्राम हमने मखाने लिए, इसको हमने काट लिए हैं। मखाने को हम रोस्ट कर लेंगे। मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। 1 टेबलस्पून हमने देसी घी डाला है, अब इसमें हम डालेंगे गोंद। गोंद को हम फ्राई कर लेंगे। गोंद हमारा फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। पचास ग्राम हमने गोंद को फ्राई किया है, अब इसे हम पीसेंगे। कढ़ाई में हम 1/4 किलो चीनी डालेंगे, 1 मग पानी, 4 चटनी बनाएंगे। चाशनी हमारी बन चुकी है, अब इसमें हम ये गोंद डालेंगे जो हमने पीस लिए थे, और इसमें हमने इलायची पाउडर भी पीस के डाल दिए हैं, सबको हम मिक्स कर लेंगे। हमने गोंद पहले डाल के इसमें मिक्स कर दिया ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम ये सभी मेवे डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अब ये हम मिक्स करेंगे। इसमें हम केवड़ा वाटर डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसको हम हाई फ्लेम पे थोड़ी देर पका लेंगे ताकि चीनी और मेवा सब अच्छे से सूख जाए, तब मिक्स हो जाए। सेनी में हम देसी घी डालेंगे, फैला देंगे अच्छी तरह से इसे चारों तरफ से। अब इसको हम सभी मेवे को हम इसमें डालकर फैला देंगे। देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से फैला लिया है, अब इसे हम कट करेंगे। बोले